low. Not gonna last much longer without a refill. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Hello guys, welcome to Matt Funkars, main hoon Z, aur aaj hum khelenge Devil May Cry ka Mission 15, Diverging Point, Nero. Let's begin. The story ab tak yun hai ke V bahut kamzor ho chuka hai aur usko apne original form ke saath wapas se merge hona hai. तो लास्ट मिशन उसका था जिसमें उसको बहुत वीक भी दिखाया गया. उसके जो उसके साथी हैं ग्रिफिन और शेडो वो उनसे अलग कर दिए गए थे, लेकिन फिर से उसने उनको ढूंढ लिया और अब उसके साथ दोबारा से मर्ज हो गए. तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ वापस मिलना चाहता है, उसके लिए उसे यूरिजन के पास पहुँचना ज़रूरी है. उसका पहुँचना ज़रूरी है वहाँ तक, लेकिन यूरिजन के पास जाते हुए उसका मुकाबला मेल्फस के यानी उसका सामना मेल्फस के साथ हो जाता है. और इतने में कि मेल्फस पे अटैक करती नेरो की एंट्री हो जाती है. लेकिन उस दौरान नेरो वहाँ तक कैसे पहुँचा ये मिशन उससे रिलेटेड है, तो अब देखेंगे. ये स्पाइक्स जो देख रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक स्पाइक्स हैं, नो रहम. सीधा समझ जाना चाहिए आपको. वैसे मैं इसको इतने टाइमिंग से इसलिए खेल पा रहा हूँ क्योंकि मिशन में बीच तक खेल चुका था, सीक्रेट मिशन तक, और वहाँ पे कुछ एरर की वजह से मेरा जो रिकॉर्डिंग है उसमें फिर प्रॉब्लम आ गई थी. तो सीक्रेट मिशन तक मैं मुझे पता है क्या करना है, लेकिन उसके आगे का मुझे कुछ कंफर्म नहीं है. थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है फिर भी, क्योंकि इस गेम में काफ़ी मल्टीपल रास्ते मिलेंगे आपको, तो उसमें से जो भी आपको चूज़ करना है. जैसे अभी एक रास्ता वहाँ भी है, यहाँ भी है, जाया यहाँ से भी सकता है, लेकिन मैं ऊपर से ही प्रेफर करूँगा. वहाँ ऊपर एनिमीज़ कम है. यहाँ मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ रेड ऑर्ब्स कलेक्ट कर सकूँ. वैसे अगर आप ये फाइट स्किप्स करना चाहें तो ऊपर के रास्ते से जाया जा सकता है. इसका फाइटिंग स्टाइल बेहतर है कंपेयर टू वी, लेकिन डांटे पे खेल खेल के हाथ ऐसा सेट हो गया कि इन पे खेलने से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. अबे यार पीछे से मारते हैं. और डेवल आर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अगर उनका सही यूज़ किया जाए. कुछ डेवल आर्म्स बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि इस वक्त पंच लाइन है मेरे पास और ये मिज़ाइल रिलीज़ करता है और सामने वाले का बेड़ा गर्क कर देता है. मुझे ऊपर जाना है जो कि मैं पहले नहीं जा पाया था, तो अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऊपर तक पहुँच सकता हूँ या नहीं. उप्स, ट्राई करते हैं इस पंच लाइन के ज़रिए. ओ वाओ, रियली लकी. पता नहीं कैसे हो गया लेकिन हो गया. अब मुझे जाना है उस तरफ और ये तो नीचे आ गया. शेट, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको ज़ाया करते हैं. जेरब्रा से खेलते हैं क्योंकि ओ शेट, जेरब्रा आपकी जंप को बूस्ट देता है, जैसे आपने मेरे ख्याल में मिशन 10 में देखा था. ओ डेवल ब्रेकर टूट गया, इसलिए मिशन शुरू होने से पहले मैंने 2-3 ले लिए थे, क्योंकि जब मैंने अटेम्प्ट किया था और फेल हो गया था तो उस वक्त मुझे पता चल गया कि ये डेवल ब्रेकर बहुत ज़रूरी है इस मिशन में.
एक और गोल्ड ऑर्ब जिनकी अब तक जरूरत नहीं पड़ी। ओ शिट, मैंने डेवल ब्रेकर दया कर दिया। जाना हमने उस तरफ है, सामने भी कुछ नहीं है। मैं इसको अच्छा, यहाँ पे आने का अलग रास्ता भी था जो हमने मिस कर दिया ग्रैपल के जरिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि डेवल सॉरी इस मिशन में मल्टीपल वेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं। ओह एक और, रायट आ गए हैं। पहले इनको ख़त्म कर देते हैं। शिट, इसने अपना ब्लेड मूव शुरू कर दिया। इसकी गन्स में बिल्कुल दम नहीं है। बहुत ब्लॉक करती है ये और बहुत तंग करती है। ये जो डेवल बेकर है गरबरा, इसका अटैक कुछ इतना ख़ास नहीं है लेकिन ये जंप बूस्ट करने में काफ़ी मददगार है। ये ले पकड़, ओ ज़बरदस्त। हमेशा एनवायरनमेंट पे नज़र रखनी चाहिए, कहीं पे कोई भी सीक्रेट मिल सकता है, अपग्रेड्स या कुछ भी। फिलहाल इसको स्किप करते हैं। और ये सीक्रेट रास्ता तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी यानी सामने सामने नज़र से थोड़ा सा छुपा हुआ रास्ता है लेकिन कुछ खास हिडन भी नहीं है। और ये गेम आपको खुद बता रही है कि अपग्रेड कहाँ है। ये अपग्रेड वैसे मैंने नहीं लिया, ये जो पंच लाइन रॉकेट यूज़ करना है, किस तरह से करना है उसका ट्यूटोरियल है। तो ये तो वैसे भी मुझे पता है कि कैसे यूज़ करना है। पहले इन कीड़े मकोड़ों को मार दें, उसके बाद देखते हैं कि अपग्रेड के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए। ओह शिट, मरने नहीं, एस रैंक चाहिए। बहुत करीब है लेकिन सारे मर गए। ऑब्स ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मुझे उनका सेटअप करना है डेवल आर्म्स का, तो इसलिए मैं वापस आया हूँ इस तरफ, जो मैं डेफिनेटली स्किप कर दूंगा। इससे जाने के लिए लेफ्ट का रास्ता है लेकिन जो कि ऑब्वियसली जाना थोड़ा हार्ड है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता दूसरा भी है ऊपर जाने का, जिसमें ऑर्ब्स कम है लेकिन उस तरफ से ऑर्ब्स ज़्यादा मिलेंगे।
तो ये दूसरा रास्ता है। फिलहाल मैं सीक्रेट मिशन की तरफ जाना चाहता हूँ। आप अगर इसको अगर कंटिन्यू किया जाए मिसाइल को, तो ये थोड़ी देर बाद फट जाता है, ओबियसली वार्निंग टोन देने के बाद। तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैंने जंप मार दी। सारे ख़त्म हो गए, तो फिर से जाते हैं। ओके, ये सीक्रेट मिशन है और ये सीक्रेट मिशन तक ही खेल पाया हूँ मैं गेम। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन हार्ड नहीं है, तो उसे 3 ट्राई में क्लियर हो सकता है। और इसके लिए रेकमेंडेड डेवल ब्रेकर गैब्रा गैब्रा, जिससे बहुत इजीली कंप्लीट किया जा सकता है, स्पेशली ये एरिया जो है। यहाँ पे ब्लू ऑर्ब नहीं है मेरे पास, रेड ऑर्ब है क्योंकि मैं पहले से कलेक्ट कर चुका हूँ। पहले नॉर्मल ट्राई करेंगे, अगर जंप करे तो यस जंप गलत थी। बीस सेकंड में क्लियर करना है, टाइम जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पे होगा। ये मेजर प्रॉब्लम है। तो टाइम ख़त्म और मैं नहीं पहुंच पाया, दोबारा से ट्राई करते हैं। पंच लाइन ज़ाया कर दिए क्योंकि गैब्रा जो है उसकी मदद से इजीली हो सकता है मिशन। डायरेक्ट जाएंगे और एक दफ़ा फिर से, और ये इसलिए गैब्रा रेकमेंडेड है इस सीक्रेट मिशन के लिए। अब आगे का मिशन के बारे में मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं किस तरफ और किस तरह से जाना है। अगर गेम के वीडियो याद हो तो हिंट वहाँ का दिया था, सीक्रेट एरिया का, और सॉरी ब्लू ऑर्ब का। गर्ब्रा मेरे दिमाग में तो यही रास्ता आ रहा है ऊपर जाने के लिए। वैसे ये रास्ता ग्लाइड करता हुआ, जो मिसाइल के ऊपर से ग्लाइड करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन डेफिनेटली हम वहाँ फेल हो गए। तो सेकेंडरी ऑप्शन मुझे यही नज़र आ रहा है जाने के लिए। नीचे जाना बेवकूफ़ी होगी कुछ और उसके लिए, तो आगे ही जाना चाहिए। तो जहाँ से शुरू किया था उस तरफ आ गया, फिर से दोनों नीचे भी रास्ता है, ये मैंने नोटिस नहीं किया। और ये क्या है? अच्छा, मेरे ख्याल से सीधा रास्ता तो मैं कभी नहीं लेता, हमेशा उल्टे रास्ते जाता हूँ। तो यहाँ से मुझे जाना है। आई डोंट नो ऊपर का रास्ता किस तरफ जाएगा। और सामने नाइट भी खड़ा है, एंजेलो जो भी था इसका नाम, एंजेलो ख़ानदान का बुजुर्ग इंसान। ओह वाह, ये तो ग्रेपर मूव है, सीधा बी रैंक, जबरदस्त, काफी पावरफुल आम है ये। ओह यहाँ पे दो और हैं, ये क्या हो रहा है? ओह बच गए। ये भी बुरा नहीं मारता इस आर्म से। शिट, फिर से मर गए।
जल्दी से कोई और आ जाए। रैंक ए से ऊपर नहीं जा पा रहा हूं मैं। के रास्ता तो यहीं पे है। अब फिर से दो रास्ते। ये क्या दीवार से सिर्फ कुछ और भी हैं, तोड़ेगा या नहीं? नाइस। अब यहाँ पे फिर से दो रास्ते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। क्या हो क्या रहा है यार, कुछ तो देखने दो। दो थे ये, दूसरा कहाँ गया? ओ तीन है यार, इनकी शील्ड बहुत बोरिंग है। आई थिंक इसकी शील्ड टूट गई है। सी रैंक अब तक। ओ, तोड़ दिया इसने। इसकी शील्ड इसे बचा रही है, नहीं तो मैं ग्रैपल मूव करना चाह रहा था, इसलिए मैंने डेवल ब्रेकर गाया कर दिया दूसरा वाला। ये चीज़ ज़बरदस्त मूव मारा है, ऐसा उठा के पटखा है ना, फिर दिल खुश हो गया। ओ दो और हैं यहाँ पे, कितने हैं ये चीज़। रैंक ए चलना भाई, आगे आ जा। तुझसे रैंक फिर बी पे चला गया रैंक। बहुत टाइट जगह है और हिट नहीं खाना चाहता मैं यहाँ। ये ओ इस ग्रैपल मूव से फौरन मर जाते हैं ये। आई थिंक ये दूसरा रास्ता जो हमने स्किप किया है। क्या बेवकूफ़ी है। ओके अब इतना पीछे में नहीं जाने वाला, पर मुझे यही लग रहा है कि ये रास्ता जो हमने स्किप किया वो यहीं पे आएगा। कुछ और नहीं, अब किसने मौत को दावत दी अपने? कौन से कीड़े मकोड़े आने वाले हैं? ओ हो, ये गेंडा कहाँ से आ गया? शिट। मर गया। तो पंच लाइन है हमारे पास, तो ये पंच लाइन जाया कर दिया मैंने, और शिट मैंने दोनों दूसरा भी जाया कर दिया यार। वो डेवल ब्रेकर बहुत ज़रूरी था, वो जो पटक पटक के मार रहा था इनको। ये गर्बरा जो है इससे फ़ायदा नहीं है, आई मीन इसका मूव उतना वो पावरफुल नहीं है जितने के बाकी उसका डेवल आर्म्स का। एक और भी गया, आई थिंक ये लास्ट है। फुल एक्शन के साथ हमने बैटल एंड की है। एक और अपग्रेड के लिए आ गया स्टैच्यू, लेकिन मुझे अपग्रेड देख लेता हूँ मैं। तो एज यूजल अपग्रेड पार्ट मैंने स्किप कर दिया, और वैसे कुछ खास लिया भी नहीं मैंने। ये कुछ नया डेवल आया है जो मैंने यूज़ नहीं किया अब तक। नया नहीं, मिलेगा पहले भी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। मैं डेवल आर्म इतना यूज़ नहीं कर रहा था जितना मैं अब यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि डेवल आर्म बहुत पावरफुल है।
ये शॉर्ट क्यों रेड हो गई है? ओ आई थिंक ये डेवल आर्म की वजह से है। नाइस इसीलिए मैं बता रहा हूँ डेवल आर्म्स बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। आई मीन डेवल ब्रेकर, सॉरी डेवल आर्म नहीं, डेवल आर्म तो उसका है डांटे का है। ख़त्म सारे तो ऊपर कुछ रास्ता सा दिख रहा है मुझे, जाना हमें उस तरफ है। और ये क्या एक्टिवेट कर रहा है? इससे कुछ एक्टिवेट होता है। ऑर्ब्स ले लें फिर देखते हैं। ओह रास्ता तो वहाँ बता रहा था जाने के लिए, लेकिन एज यूजुअल मैं उल्टे रास्ते ही जाऊँगा। ये बैट्स बहुत सरदर्द हैं, पूरा ब्लास्ट मारते हैं और उसके उनके ब्लास्ट से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओह शिट, ओ डेवल आर्म, डेवल ब्रेकर टूट गया। शिट एक तो मर जाए, आई थिंक ये फटने वाला है। दूर हो जाए, दूर कर दिया गया हमें। ओह वो भी मर गया, अच्छा है। ओ, इसको फटने नहीं दिया, नाइस। उसके फटने से पहले उसे ही फाड़ दिया। ओह ऊपर और ब्लू और नाइस। इसलिए ऑपोजिट रास्ता मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमें अपग्रेड्स मिल जाते हैं। कुछ फीलिंग आ रही है दोबारा से लड़ने की। डेफिनेटली खुला एरिया जब भी आता है इसका मतलब कुछ पंगा होने वाला है। ओ ये वो गायब होने वाला आ गया है, भगरत का बच्चा। खैर मारना तो सबको है, ये कहाँ बचेगा? लेकिन वो डेवल आर्म मिल जाता तो अच्छा होता। शिट ये भी टूट गया। पहले इसको मार देता हूँ। ओ ये इसका नया मूव था, पहले नहीं देखा ये मूव। शिट एक और गया और अब वो भी गया। अच्छा वो मर गया, उसका तो पता नहीं चला कब मरा। भाई हमसे टकराएगा तो उसने मरना ही है। अब तक कौन बचा है इन खूनी हाथों से? उसका तो हाथ ही नहीं है, ठीक है हाथ ही बोल देते हैं। कंपेयर टू लास्ट टू मिशन, ये मिशन अपनी नॉर्मल लेंथ पे क्या बोल रही है, ये मिशन थोड़ा लेंथी। आई थिंक मेल्फस आ गई है। तो यहाँ पे एंड हुआ था पिछला मिशन।
But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh, human. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. ये बॉस फाइट थोड़ी डेंजर लग रही है। अब तक तो कुछ खास मूव्स नहीं दिखा इसने। किस परिंदे को मारूं या उसको मारूं? उसको मारना चाहिए। ओ ये क्या फेंका उसने? कहाँ फेंक दिया? इतना बड़ा एरिया कहाँ ढूंढूं मैं से? मिल नहीं रहा मुझे। ओ वहाँ कुछ चमक रहा है, वहाँ जाना चाहिए। कहाँ गया? ओके आई होप कुछ पावरफुल हो। ये क्या है? ये तो स्लो मोशन के लिए। तो भगा दिया उसको। ओ इधर वो डेवल आम डेवल ब्रेकर होना चाहिए था। ये कहाँ चली गई है? ओ अच्छा तो ये हरकतें शुरू की इसने बगैरतों वाली। बच गए। शिट डबल ब्रेकर मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि तीनों डबल ब्रेकर फारिग हैं हमारे पास। ओह ये तो गुस्सा हो गया। शिट 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 काफी ज्यादा हेल्थ लेके गए ये। बहुत डैमेज किया इसने मुझे। ओह शिट भाई क्या हो गया इसे? अबे मारने का मौका भी दे दे, जुल्म शुरू कर दिया इसने। शिट ओह शुक्र है कि थोड़ा रिलैक्स हो गया ये। ओह काफी ज्यादा डैमेज पड़े हैं इस वक्त। ये डेवल आम काम का है। ये क्या था भाई? कहाँ गई है? जो भी कर रही है जल्दी जल्दी मारो इसको। ये कुछ गंदा मूव होने वाला है, मुझे कुछ फील हो रही है, फीलिंग आ रही है। इसने धमाका करना है, लग रहा कुछ ऐसे ही है। ओह शिट हेल्थ बहुत लो है इस वक्त। ये पड़ी बच गए। हेल्थ दोनों की लो है इस वक्त। अबे यार नहीं 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 ये फिर से पागल हो गया। कहाँ गया? ओ, 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 ओ। मुझे लग रहा है इसने मुझे उड़ा देना है। तो उड़ा देना नहीं, उड़ा दिया है। शिट गोल्ड ऑर्ब यूज़ करेंगे। तो ये सेकंड बॉस है जिसने हमारा बेड़ा घर किया। और एक हिट और चाहिए।
ये ले, मजा आया। सही मस्त रिप्लाई दिया है उसके क्वेश्चन का। You can come out now. ये तो कुछ बहुत ही फट्टू इंसान है ये। I guess I owe you one. Definitely. कुछ माल निकाल माल। You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That I cannot do. I must go. Damn it, V. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do I you beg have... you? This is my last request. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Don't worry, he will. तो आई गेस यहाँ मिशन खत्म हो गया। ये स्माइल इसकी थोड़ी मुझे विकेट लग रही है। ओके तो यहाँ मिशन खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और घंटे पे घंटा ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।